जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीटी कोर्स के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे कि बीपीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको हम कहां से करना चाहिए, कहां से नहीं करना चाहिए, इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है और इसको करने के बाद में हमारे पास कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, कहां पर हमें जॉब मिलती है, सैलरी क्या रहती है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो वीडियो में आपको मैं ए टू जेड एक्सप्लेन करने वाला हूं। बीपीटी को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं उन सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, बीपीटी यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसके नाम से पता चल रहा है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि हमारा ये 4.5 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। यानी कि हमारा 4.5 साल का ये हमारा अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, जिसको कुछ लोग 4 साल का कहते हैं। 4 साल का नहीं होता है ये, हमारे 4.5 साल का होता है, जिसमें हमें 4 साल स्टडी कराई जाती है और जो हमारी 6 महीने की होती है वो हमारी इंटर्नशिप होती है, जो कि करना कंपल्सरी होती है। तो इसलिए जो हमारा एक कोर्स है वो है हमारा 4.5 साल का। अब इसके लिए बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यदि आप बीपीटी करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसकी बात करते हैं। तो साथियों, बीपीटी के लिए आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना 12th किया हुआ हो, 12th में आपके पास में पीसीबी होना कंपलसरी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होने कंपलसरी हैं। इसके अलावा जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं वो कोई भी हो सकते हैं, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, हिंदी हो, जो भी हो, वो आपके इन तीन सब्जेक्ट के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी कि ये 3 सब्जेक्ट तो आपके होने कंपलसरी है। इसके बाद में इसमें आपके जो परसेंटेज है वो आपकी 50% होना अनिवार्य है, यानी कि 12th में आपकी 50% होना अनिवार्य है। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है तो कैटेगरी में आपको 5% की छूट मिल जाती है, फिर आपकी 45% पर भी एडमिशन हो जाता है। अब इससे आगे बात करें, जो हमारे ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर हम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इसमें मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए जो मिनिमम एज है आपकी वो आपकी 17 साल होनी चाहिए। यदि आप 17 साल से कम है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो मिनिमम एज जो है आपका 17 साल है। आगे बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम एजुकेशन स्कॉलरशिप का। तो सक्षम स्कॉलरशिप हर साल सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और ये जो स्कॉलरशिप होती है गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होती है। तो यदि आप भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं है। अब आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की, कि इसके लिए एडमिशन कैसे होते हैं। तो साथियों, इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में मेरिट के बेस पर एडमिशन होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज में आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें एडमिशन के लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ता है, फीस कितनी लगती है। तो साथियों, फीस जो डिपेंड करती है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज किस टाइप का है। जो इसमें मिनिमम फीस है वो आपकी 15,000 रुपए, 20,000 रुपए से लेकर, और जो मैक्सिमम फीस है वो आपकी 1,00,000 रुपए तक रहती है। यानी कि ये आपकी फीस है, जो आपका मिनिमम फीस आपका 15,000 से 20,000 रुपए, और जो मैक्सिमम फीस है वो आपकी 1,00,000 रुपए तक रहती है। अब मैंने आपको बता दिया जो फीस है आपकी, ये पर ईयर की फीस है, डिपेंड करती है आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर। अब इसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो साथियों जैसे आपको पता है, इसके नाम से पता चल रहा है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी कि इसमें आपको किस तरीके से शरीर के दर्द को कैसे खत्म करना है, ये सब सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इसको करने के बाद में हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, यानी कि हम कहां कहां जा सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में कहां कहां पर हमें जॉब मिल सकती है। तो साथियों, यदि हम कैरियर ऑप्शंस की बात करें, साथियों सबसे पहला जो है वो आप अपना फिजियोथेरेपी का सेंटर खोल सकते हैं, यानी कि अपना क्लिनिक खोल सकते हैं फिजियोथेरेपी का। दूसरा है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, यानी कि जितने भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वहां पर भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपकी वैकेंसी निकलती है, प्राइवेट सेक्टर में भी वैकेंसी निकलती है। तीसरा है आपका जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो हॉस्पिटल्स में भी आपका फिजियोथेरेपी की डिमांड है, मार्केट में आप फिजियोथेरेपी के डॉक्टर की भी नीड होती है, तो आप हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट में भी वैकेंसी आती है, जो आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी वैकेंसी होती है। इससे आगे बात करें, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पर बीपीटी का कोर्स चलता है या डीपीटी का कोर्स चलता है, वहां पर आप एज अ ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आप डीपीटी को पढ़ा सकते हैं। यदि आपने बीपीटी किया है तो आप डीपीटी को पढ़ा सकते हैं, यानी डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, यानी कि उनको आप पढ़ा सकते हैं, या फिर आप
आप जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो करियर ऑप्शंस ठीक है, वैकेंसीज काफी ज्यादा है, तो आप बीपीटी कर सकते हैं, करियर काफी अच्छा है। जो गवर्नमेंट जॉब है मैंने आपको बता दी है, गवर्नमेंट जॉब में भी इसकी वैकेंसी निकलती है, जैसे आपको गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है तो वहां पर बीपीटी के लिए भी वैकेंसी निकलती है। अब यदि हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो इसकी मिनिमम सैलरी आपको जो सैलरी मिल जाती है, मिनिमम सैलरी आपकी 15,000 रुपए से लेकर और जो मैक्सिमम पैकेज है आपका वो 5-6 लाख रुपए पर एनम तक रहता है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।